विपिन बताइए। देखिए ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी है, निशांत इस गाड़ी को भी निशाना बनाया गया था और जेपी नड्डा अंदर मौजूद है। सर वो निशान दिखा रहे थे आप, ये देखिए जेपी नड्डा खुद दिखाते हुए, ये उनकी गाड़ी है, अंदर वो सवार है, कोलकाता की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस गाड़ी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं निशांत। और पूरा काफिला अगर आप देखेंगे मेरे बाएं हाथ में, देखिए कि जेपी नड्डा का पूरा काफिला जा रहा है। इस पूरे काफिले को निशाना बनाया गया था और इसमें राहुल सिन्हा से लेके दिलीप घोष से लेके कैलाश विजयवर्गीय से लेके मुकुल राय से लेके ये तमाम लोग फिलहाल दिन के उजाले में जल्दी से जल्दी कोलकाता पहुंचना चाहते हैं क्योंकि चैलेंजेस अभी बाकी हैं। यहां से वापस जाते वक्त भी इनकी गाड़ी को निशाना बनाया जा सकता है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा के बीच में इन गाड़ियों को, देखिए निशांत इन गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। भारी सुरक्षा के बीच में फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला कलकत्ता के लिए रवाना हो चुका है और हमें भी कहा गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से जल्द आप इस जगह को छोड़ दीजिए, हमारे साथ हमारे काफिले में चलिए क्योंकि देर शाम जब आप यहां से जाएंगे तो यहां खतरा हो सकता है। माहौल बहुत तनाव भरा है, लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि इतने बड़े नेता को, जो किसी को वाई प्लस सिक्योरिटी है, किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी है, उन तमाम नेताओं की गाड़ियों को दिन के उजाले में पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया उन पर, ये अपने आप में बहुत चौंकाता है। ये दृश्य बहुत डराते हैं और ये जाहिर करते हैं कि आने वाले दिनों में जब बंगाल चुनाव में जाएगा तो बंगाल में क्या होगा, ये चुनाव नहीं संग्राम होगा और रण होगा, ये उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात दिखाई दे रही है।